महासमुंद के निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ महारैली निकालकर वर्तमान भाजपा सरकार को कोसा, तो वही भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वम चंद्राकर भी विधायक के खिलाफ बड़े बयान देने से पीछे नहीं हटे। देखिए संवाददाता शेख इमरान की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है, ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सियासत तो तेज हो गई है। वहीं फिर एक बार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा ने ठीक चुनाव के पहले वर्तमान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जी हाँ, ये वही महासमुंद विधानसभा के निर्दलीय विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं, जो लगातार पूर्ण शराबबंदी को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं। और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर पूर्ण शराबबंदी को लेकर विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने दूर दराज से आए अपने हजारों समर्थकों के साथ एक महारैली निकालकर शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए भ्रमण किया। और पूर्ण शराबबंदी के नारे लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महारैली लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी। पिटियाझार से महासमुंद शहर में भ्रमण करते हुए आयोजित आम सभा कार्यक्रम स्थल हाई स्कूल पहुंची। पूर्ण शराबबंदी को लेकर महारैली में विधायक के काफी समर्थक यहां पे मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि विधायक जो महाअभियान शुरू किए हैं शराबबंदी को लेकर, उनमें जो है उनके समर्थकों का क्या कहना है, क्या कहना है आज बड़ा महारैली देखने को मिला? जी बिल्कुल, और ये रैली पहली बार नहीं है और ना आखिरी बार है। रमन सरकार इस रैली के माध्यम से जान ले और वो चेत जाए कि अगर ये आंदोलन, अगर उनको शराबबंदी नहीं किए तो बहुत भारी पड़ेगा और ये होते रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में। पेंशन को लेकर क्या कहना है? पेंशन के लिए हमेशा गरीबों की लड़ाई डॉक्टर विमल चोपड़ा जी लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने शराबबंदी के लिए एक मुहिम छेड़ी, जो मुहिम पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान में भी फेमस हो गई है और वो हमेशा ही शराबबंदी को लेकर आगे लड़ते रहेंगे। ये देख सकते हैं शराबबंदी को लेकर इन्होंने टी शर्ट भी पहना है, क्या वजह रहा कि आप लोग टी शर्ट पहन के इस तरह के अभियान में शामिल हुए? कितना समर्थन करते हैं आपके विधायक के बातों को? मैं हमारे विधायक से 100% सहमत हूँ, क्योंकि यही एक मात्र विधायक है हमारे आज 30 वर्ष के कार्यकाल में, जिन्होंने एक गरीब के लिए भी लाठी खाई है और एक मजबूर के लिए भी लाठी खाई है। समर्थक पहुँचे थे आज जो यहाँ पर विशाल रैली आम सभा थी, जिसमें लगभग 25,000 लोग आए थे। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के प्रति उनका समर्पण था, उनका त्याग था। रही होंगी और उनका भी योगदान रहा है, डॉक्टर साहब के प्रति उनका जो प्रेम भाव है, उनका जो समर्पण भाव है, आज वो यहाँ दिख गई है रैली के रूप में। मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से, क्या प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। फोकट का बांट बांट करके लोगों को निकम्मा करना बंद करो और लोगों को रोजगार दो। ये मोबाइल बांट कर रोजगार, रोजगार नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिले। हाथी फसल को बर्बाद करे, उसका मुआवजा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पेंशन सही रूप में? जी सर, कोई दो मत की बात, हाल में हर हाल में तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देख सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने विधायक विमल चोपड़ा को चुनने की बात यहां पे किया जा रहा है और इसी तरह जो है यहां की जनता विमल चोपड़ा को समर्थन देते आ रहे हैं। आम सभा को संबोधित करते हुए विधायक के समर्थकों ने अपने विधायक के विकास कार्यों को गिनाते रहे। वहीं विधायक भी इस मामले में पीछे नहीं रहे, वे भी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने अपने कार्यकाल के विकास गिनाते रहे। जिसके बाद विधायक विमल चोपड़ा ने सीधे प्रशासन पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। ये जो रैली हमको करनी थी, हम नई मंडी से करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उस खाली पड़ी जगह पे हमको अनुमति नहीं दी। हमने लोहिया चौक की परमिशन भी मांगी थी, आवेदन अभी तक वहां पड़ा हुआ है, उसकी भी परमिशन हमको नहीं दी गई। क्या हाई स्कूल का भी मैदान मिला है तो इसको हमने बड़ी चालाकी से लिया कि प्रशासन को पता नहीं चल सका, नहीं तो वो हाई स्कूल का मैदान भी हमको लेने नहीं गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पास जाता है और कलेक्टर के पास टाइम नहीं है, तो समझ ले किसानों की मांग जो भी होगी उसके लिए डॉक्टर विमल चोपड़ा को फांसी में लटका दे, उसके पास जाने से मैं किसानों को इनकार नहीं करूंगा। जिला कलेक्टर हो। आपको बता दें कि डॉक्टर विमल चोपड़ा इस आम सभा के माध्यम से आम जनता एवं क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी सहित निराश्रित पेंशन, पेरी नदी में डायवर्शन बनाकर झलप पवेड़ा क्षेत्र में सिंचाई की मांग, हाथी प्रभावित किसानों को 25,000 रुपए मुआवजा, आवारा पशुओं के लिए रहवास नजुल, घास व वन अधिकार पट्टे की मांग व किसानों का 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग सरकार से कर रहे हैं। आम सभा में विधायक ने जिला कलेक्टर को जब सवालों में घेरना शुरू किया तो सभा में जिला कलेक्टर के खिलाफ होश में आओ जैसे नारे समर्थकों द्वारा लगाए गए। विधायक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महारैली में जो भीड़ मेरे समर्थन में आई है वो सरकारी पैसे या विकास यात्रा की भीड़ नहीं है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहना चाहता और दूसरे विरोधी नेताओं को कहना चाहता कि ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये ढोके लाई नहीं गई है, ये सरकारी पैसे से नहीं लाई गई है, ये विकास यात्रा की भीड़ नहीं है, ये अपना खून पसीना बहा करके आने वाले किसान मजदूर और निराश्रितों को। विमल भैया जिंदाबाद। आम सभा को संबोधित करते हुए विधायक चोपड़ा ने जिला पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा और कहा कि इस 5 सवालों में मेरे ऊपर 3 बार लाठी चलाई है, अगर विमल से दुश्मनी है तो फांसी पर चढ़ा दो। अपनी लड़ाई लड़नी है, वो महाभारत के समय जो है वो कृष्ण जी आए थे द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के लिए, लेकिन ये कलयुग में द्रौपदी के लिए कोई कृष्ण नहीं आने वाला है, ये जनता द्रौपदी है जिसका चीर हरण हो रहा है, वो चाहे गुंडे हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे प्रशासन में बैठे असंवेदनशील लोग हो, मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि अब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई कृष्ण नहीं आने वाले हैं, कोई राम नहीं आने वाले हैं, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे, छोड़ो मेहंदी शत्रु उठा लो, छोड़ो मेहंदी शत्रु उठा लो, चौतर बिछाए बैठे तकनीक आम सभा में खचाखच भीड़ को देखकर विधायक ने कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देने से पीछे नहीं हटे। हम लड़ रहे हैं दोस्तों, ये रैली इसके लिए है कि हम आपकी लड़ाई लड़े, मेरे ऊपर इन 5 सालों में 3 बार लाठीचार्ज हुआ, उसकी कोई चिंता नहीं है मेरा, उसका कोई डर नहीं है, उसका कोई भय नहीं है, वो लाठी जितनी बरसा ले, केस कितना कर ले, डॉक्टर विमल चोपड़ा से उनकी दुश्मनी है, डॉक्टर विमल चोपड़ा को आजीवन जेल में डाल दें, लेकिन कई आदिवासी किसान के साथ अन्याय ना करें। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी और विभिन्न मांगों को लेकर विधायक ने जिस तरह वर्तमान सरकार को कोसा, तो वही विधायक के महारैली को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने भी विधायक पर जमकर निशाना साधा। आज महासमुंद में निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा ने पूर्ण शराबबंदी को लेकर महारैली निकाली। इस बीच जो है विधायक ने भाजपा सरकार पर कई सवाल दागे, इन्हीं सवालों का जवाब जाने हम प्रदेश के भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पूनम चंद्राकर के पास मौजूद हैं और जानेंगे कि आज जो पूर्ण शराबबंदी को लेकर जो रैली निकाली गई और जिस तरह से विमल चोपड़ा ने सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उन पर वो क्या कहते हैं। तो हमारे बीच मौजूद है पूनम चंद्राकर जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे राज्य सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उसके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और यहाँ जहाँ तक दारूबंदी है, दारूबंदी तो भी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में
हमारे 20,000 हमारे गांव हैं, हमारे कम से कम जितने भी गांव हैं उसमें कम से 10% अभी दारू वहाँ पर बिकता नहीं अभी, क्योंकि बताऊँ जहाँ पर पॉपुलेशन 5,000 जहाँ पॉपुलेशन वहीं पर दारू बिक रहा है। छत्तीसगढ़ तो गांव में निवास करते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के गांव में तो दारू बंदी ही हो गया है, क्योंकि सरकार उसमें सरकारी माध्यम से चल रहा है, उसमें पुलिस की व्यवस्था है, बैठे हैं पुलिस वाले लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता। अब उसका तो अब आदतन है ना, प्रदेश भर में एकमात्र वही है जो केवल दारू का ठेका वही लिए हैं कि वह दारूबंदी करके, बाकी किसी की चिंता नहीं है। एक आदमी चिंता कि भारत को बदल दे, इस पर को परिवर्तन कर दें, अब उसका आदतन उसी के नाम से खाली दारूबंदी करने करके गुमराह करते हैं, आखिर रिजल्ट कुछ नहीं आखिर, और वो कुछ ये और उसका मुद्दा कुछ है ही नहीं, सरकार की योजना का मुद्दा हमारे सरकार पैसा दे रही है, नाम अपना ले रहे हैं और दूसरे को श्रेय देना भी नहीं जानता, खुद श्रेय लेता है। अब दुर्भाग्य से क्या कहें, वो बड़बोला नेता है और एक MBBS डॉक्टर, उसके बारे में क्या बोलूँगे, वो सब बड़बोला नेता है जो भी सरकार का आलोचना करता है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक विरोधी है, वो सरकार की आलोचना कर सकता है, और हम लोग सरकार अच्छा काम करी है इसमें दो मत नहीं है और जनता जानती है। भीड़ को लेकर क्या कहेंगे इतने? देखिए भीड़ तो हमारा यहाँ पर, हम लोग भी दीनदयाल उपाध्याय जयंती यहाँ पर मनाए महासुन में, हमारे यहाँ भी भीड़ जितना डॉक्टर का था उतना हमारा भी था। विधायक विमल चोपड़ा ये कहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर वो निर्दलीय खड़े होंगे और पूर्ण बहुमत से वो इस विधानसभा में विजय होंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा भी अपनी तैयारी चुनावों को लेकर कर चुके हैं, तो क्या इस सीट को भाजपा बचा पाए? देखिए हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, 7 तारीख को आया था अभी इसी महीने में, 7 के बाद बहुत बड़े ऐतिहासिक, पहले बार मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए कि यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम हुआ, और हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग कार्यक्रम किए थे पीछे भी हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और कार्यक्रम हुआ, आज भी कार्यक्रम हुआ, और जनता जनार्दन है, जनता चुनती है, कोई व्यक्ति नहीं चुनता, और वो तो बोलने वाला बोलने तो भी कौन क्या, मैं जीतूँगा, हर आदमी जो जीतने के निर्दलीय, कोई भी निर्दलीय लड़ता है, हर पार्टी जो भी लड़ता है वो बोलता है जीतने के लड़ता है, एक आदमी जीतता है बाकी हारता है, जनता भाजपा तो हम लोग जीत कर हारे हैं, हम लोग तो हारे कहाँ हैं महासुन में, हम लोग तो महासुन में 1,000 में विधानसभा 1,000 वोट में जीता था, विधायक बना था 2003 में, अभी 2013 में जब मेरे टिकट मिला, बीच में गैप हो गया था, उसमें मेरे को 4,000 वोट मिला, अंतर कहा 1,000 वोट का, उसके बाद बागी हो गया था डॉक्टर बागी, एक पार्टी के 2 आदमी 10 दिन में 2 आदमी था, उसका कांग्रेस का 42,000 मिला, मेरे 2,000 आगे थे, वो अलग बात है कि डॉक्टर ने 6,000 वोट पाके जीत गया, 3,000 का अंतर था, और वो बागी हुआ, उसने सिलाई मशीन बहुत सारी योजना चलाई, लेकिन एक सामाजिक बहुत सारे समाज लोग उसको कि यहाँ पर एक समाज का अस्तित्व बहुत साल से करके सपोर्ट कर दिया, इस कारण वो उसको ईगो नहीं आना चाहिए इसमें, वो समाज आज उससे दूर हो गया है, आज उसके साथ कोई नहीं है, आज निर्दलीय ठीक है, वो अपना विकास जितने भी यहाँ पर होता सर बार जो है भाजपा के विधायक यहाँ 100% भाजपा सरकार बनी, भाजपा के विधायक बनेगा 100%। हमें 41 सीट में हारे हुए, यहाँ महासंघ का अलग स्थिति था, यहाँ पर एक बागी लड़ा, वो भी नगर पालिका में 2 बार अध्यक्ष रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लाभ लेके उसने विश्वासघात किया पार्टी, इसलिए हम लोग हारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम चंद्राकर जी हमसे बात करने के लिए। जहाँ एक तरफ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर आगामी विधानसभा चुनाव में महासमुंद की सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय विधायक भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल दोनों चाहे ताल ठोक कर दावा भले ही कर लें, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महासमुंद का अगला विधायक कौन होगा। पूर्ण शराबबंदी को लेकर संवाददाता शेख इमरान ने महासमुंद के निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा से खास बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। लगातार शराबबंदी को लेकर प्रदेश में एकमात्र निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा आवाज बुलंद करते आए हैं और यहाँ विशाल रैली महारैली के माध्यम से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद किए हैं। आइए विमल चोपड़ा से खास बातचीत करते हैं कि किस तरह शराबबंदी का असर सरकार को पड़ेगा। विधायक जी आज महारैली देखे हैं, क्योंकि आप लगातार शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद करते आए हैं, इस महारैली से सरकार को कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि चुनाव भी तो बेहद ही नजदीक है। देखिए राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का भी योगदान था, तो हम मांग उठा रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी। 2 साल पहले हम लोगों ने रैली निकाली थी और सरकार ने जो है कोचियाबंदी की, हम मानते हैं उससे कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ, इसलिए लगातार ये हमारी मांग होगी। हम जनता को जगाएंगे कि शराब भी ना पिए और सरकार से ये मांग भी करेंगे कि शराबबंदी होनी चाहिए, और पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल प्रदेश में शराबबंदी होगी। यहाँ पे देखें कि आप अपने विकास को गिनाए, साथ ही आपके समर्थक भी विकास को गिनाए, तो आज जो जिस तरह से इस आम सभा को देखा गया, क्या चुनावी तैयारी मान सकते हैं? देखिए कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा
तो जनता उसको वोट देगी। और चुनाव की तैयारी हर व्यक्ति करता है, हम भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। और 25 सितंबर को लगभग लगभग हर साल हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बड़ा आयोजन तो हमने किया है, इसको चुनाव की तैयारी भी मान सकते हैं आप। आपने यहाँ के प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जहाँ आप सभा का आयोजन करने वाले थे वहाँ आपको अनुमति नहीं दी, साथ ही जिला कलेक्टर के खिलाफ भी यहाँ पे आवाज बुलंद हुई है, क्या वजह रही कि जिला प्रशासन के खिलाफ आप इतने नाराज हैं? इसलिए कि मैं गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, जिसके लिए मेरे को यहाँ के कलेक्टर से लड़ना पड़ता है। एक विधायक को विधायक जैसा सम्मान नहीं देते, इसलिए लड़ना पड़ता है। और इसलिए उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आईएएस लॉबी का सबसे कोई बड़ा विरोधी है तो डॉक्टर विमल चोपड़ा है, इसलिए जो वह इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब कल मैं जाता हूँ तो मेरे को कुर्सी में बैठने तक नहीं बोलते हैं, तो या तो ये उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सोच रहे हैं कि आईएएस तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि 2 लाख जनता का जिस प्रतिनिधि को समर्थन है तो उसके सामने आईएएस जो है प्रोटोकॉल में छोटा होता है। तो जिला कलेक्टर के खिलाफ तो आपने आवाज बुलंद की, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, क्या वजह रही? क्योंकि वो तो कानून व्यवस्था बना दे। नहीं नहीं, पुलिस से भी बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं, आरटीओ की कार्यवाही से हमारे गांव के लोग प्रताड़ित हैं, झूठी रिपोर्ट से गांव के लोग प्रताड़ित हैं। आज एक व्यक्ति थाने में जाने से डरता है, जो अपराधी है उसको संरक्षण मिलता है। शराब की बिक्री कई स्थानों पर जो है पुलिस के प्रश्रय में होती है, जुए के अड्डे चलते हैं, हम लोग कहते हैं तो भी कार्यवाही नहीं होती। इसलिए जो है हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन भी जो है वैसी कार्यवाही नहीं कर रहा है जैसी उसको संविधान के हिसाब से करनी चाहिए। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ फिर एक निर्दलीय रूप में प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। क्या करते हैं, क्या इस बार फिर आपको जनता चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी जनता, इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं है कि जनता ना चुने, ऐसा कोई हमने काम ही नहीं किया है। पिछले 5 सालों में जनता का जो विश्वास जगा है विधायक के प्रति, वो पिछले 50 सालों में लोगों के मन में नहीं था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक। तो ये थे विधायक विमल चोपड़ा, जो विधानसभा चुनाव के पहले लगातार शासन प्रशासन को कोसते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से दोबारा निर्दलीय रूप में वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और उनको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ महासमुंद की जनता उसे फिर से विधायक के लिए चुनेगी। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरह महारैली देखा गया, इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, और क्या जिस तरह शराबबंदी को लेकर जो आवाज बुलंद किया जा रहा है, क्या इसको सरकार मानेगी, और क्या वाकई में प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्लिफ.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी संतर के साथ शेख इमरान, महासमुंद। क्लिफ.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.cliffs.in.